गर्मियों की एक बड़ी स्पेशल सब्जी है भिंडी, और घूम फिर के हफ्ते में एक बार तो मेरे घर में ये बनती बनती है, लेकिन हर बार डिफरेंट तरीके से। आज मैं बना रही हूँ भिंडी दो प्याजा, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। तो सबसे पहले मैंने भिंडी को काट लिया, मैंने इसे ना बीच में से आधा कर लिया है। फिर तीन प्याजों को चॉपर में चॉप कर लिया और दो टमाटरों को बारीक बारीक काट लिया। कढ़ाई में डाला बहुत ही थोड़ा सा ऑयल और इसके अंदर मैंने भिंडी डाल ली। इसमें हम भिंडी को ना थोड़ी देर फुल पे और फिर थोड़ी देर सिम पे भूनेंगे। तो ऑलमोस्ट 5 मिनट भिंडी भूनने के बाद मैंने इसे प्लेट में निकाला और सेम कढ़ाई में थोड़ा सा और ऑयल डाल के मैंने डाल दिया इसके अंदर जीरा। जीरा हल्का सा क्रैकल हो गया तो डाल दिया इसके अंदर बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। साथ ही में गए ये चॉप किए हुए प्याज, इन्हें मैंने बहुत बढ़िया से ब्राउन कर लिया और फिर डाल दिया इसके अंदर कुछ स्पाइसेस, हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ और बहुत ही थोड़ा सा अमचूर। इसे बढ़िया से मिक्स करके डाल दिए इसके अंदर ये कटे हुए टमाटर। टमाटर डाल के मैंने डाला इसमें नमक और इसे ढक के मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट बहुत बढ़िया से पका लिया। जब ये अच्छे से पक गया तो मैंने डाल दी इसके अंदर फेटी हुई दही। दही डाल के भी मैंने इस मसाले को कुछ 2 से 3 मिनट तक पकाया और फिर डाल दी इसके अंदर भिंडी। मिक्स करके इसे ढक दिया और 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल इसे अच्छे से पकने दिया। इन द मीन टाइम मैंने प्याज को मोटा मोटा काट लिया और टमाटर के बिना बीज निकाल के इसको थोड़ा मोटा मोटा काट लिया। तो देखिए ये भिंडी कितनी बढ़िया से पक गई। अब मैंने डाल दी इसके अंदर ये प्याज और टमाटर और साथ में डाल दी थोड़ी सी कसूरी मेथी और गरम मसाला। इसे मिक्स करके ढक दिया, गैस की फ्लेम को बंद करके इसे 10 मिनट तक ऐसी भाप में रहने दिया। और ये देखिए हमारी भिंडी दो प्याजा बनके बिल्कुल तैयार है। आप भी भिंडी को इस तरीके से बना के खाइएगा, आई एम श्योर आपको भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए खुद खाइए, फैमिली को खिलाइए और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिए।